हाय दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू इनोवेटिव जिस नॉलेज उठागास। आज के वीडियो में हम क्लास सिक्स की एनसीईआरटी और सब्जेक्ट है हिस्ट्री समझने, देखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ तो लिए बट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो पढ़ेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे, प्लस क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं बताऊँगा, आप कोशिश करेंगे, तो वो चलिए बने रहिएगा। क्लास सिक्स की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, तो इसमें पहला चैप्टर आता है कब क्या कहाँ और कैसे, मतलब क्या कब कहाँ और कैसे। तो इस पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास क्यों ज़रूरी होता है, हम कैसे कैसे चीज़ों को जान सकते हैं, अगर हमको इतिहास जानना है तो कैसे कैसे जान सकते हैं, कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हमें पता चलता है कि बीते हुए कल या बीते हुए अतीत में, बीते हुए पास्ट टाइम में, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, कौन सी सभ्यताएं थी, कौन से रीति रिवाज, साहित्य, कला, ये सारी चीज़ें क्या क्या हुआ करती थी, संस्कृति और हर एक चीज़ें, समाज कैसे था, तो ये सारी चीज़ हमें पता कैसे चलेंगी, तो इसको हम सबसे पहले जानेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इतिहास के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें नया कुछ कर सकते हैं, हम इतिहास से ही सीखकर कुछ नया इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं, तो इस सारी चीज़ों को जानने का माध्यम मात्र एक है इतिहास। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आपका एक दोस्त है आपकी, ये समझिएगा कि रसीदा है। रसीदा बैठी घर अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। एक सुर्खी पर पड़ी मतलब एक स्टेटमेंट पर पड़ी ना, जो सुर्खियों में रहता है। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब देखिए, आप थोड़ा सा जो है नादान होकर समझिएगा, थोड़ा सा बालक या मतलब थोड़े से बच्चों की तरह, इससे ये सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है, सिक्स क्लास का जैसे बच्चा होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है ना, तो उसी तरीके से हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आगे बताया जाता है कि भैया कैसे पता लगाएं, जैसे रसीदिया ने सोचा कि सैकड़ों साल पहले यानी कि 100 साल पहले कोई मतलब न्यूज़ था, उसको हम कैसे जान सकते हैं। इसके दिमाग में आया कि अभी तो हम अखबार पढ़ रहे हैं, कल क्या न्यूज़ थी वो हमको आज पता चली, लेकिन सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रसीदा यानी कि आपके मन में सवाल ये आया ना, आपके मन में दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भैया सैकड़ों साल पहले हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे हम जानने जा रहे हैं कि कैसे पता लगाएं कि सैकड़ों साल क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब उस समय का समय याद हो कि उस समय क्या क्या हुआ था, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है। फिर क्वेश्चन उठा भैया, ठीक है आइए इसका भी निवारण करते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठाए रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हैं या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को मैं अभी उधेड़ूँगा, मतलब अभी उसी का हम आंसर खोजने का तलाश करेंगे, आंसर निकालेंगे कि मतलब भैया आज का हम तो देख सकते हैं, कल का भी देख सकते हैं, और महीने, दो महीने या साल भर पहले क्या हुआ था ये भी जान सकते हैं, देख सकते हैं ना, लेकिन सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता चलेगा, ये दिमाग में बनाए रहिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं इसका भी देख लीजिए कि अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, इन सबके जीवन के बारे में हम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं,
हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे भैया, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी चीज़ें, मतलब कि समाज में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, कौन कौन से माध्यम हुआ करते थे, कौन से चीज़ करने के लिए, ये सब कुछ हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। ठीक है, अतीत मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पास्ट टाइम। ठीक है, और क्या जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे ना, तो उसी में क्वेश्चन आया ना, लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कहाँ रहते थे। आप देखेंगे भैया, मैं आगे दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि मानचित्र एक में प्रश्न नंबर टू पे नर्मदा नदी का पता लगाने का हमको बताया गया कि भैया नर्मदा नदी का पता लगाओ। और क्यों लगाओ, क्योंकि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक हुआ करते थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है एक अच्छा जो है शिकार, ये मतलब शिकारी करने वाला, शिकार करने वाला, भोजन को संग्रहित करने वाला, मतलब अच्छा एक कह सकते हैं एक सभ्य आदमी, सभ्यता पूर्ण आदमी को कुशल संग्राहक कहा जा सकता है। ठीक है, तो कुशल संग्राहक हुआ करते थे कौन लोग, जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब समझ रहे हैं ना, संग्रहित करना, गिदरिंग। वे जानवरों को आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। आगे चलते हैं, अब हमें ये पता लगाना है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है, क्यों, क्योंकि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि गेहूं और जौ की फसल को सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया, तो भैया सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं का पालना या पालतू बनाना शुरू कर दिया। लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंती है, जो मतलब इधर आपके ईस्ट में है वहाँ पर, और मध्य भारत में कहाँ पर भैया विंध्य पहाड़ी में ऐसा क्षेत्र हुआ करता था। यानी गारो खासी जयंती के आसपास, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से के पास, और दूसरा क्या है विंध्य पहाड़ियों के मतलब आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा सा भाग राजस्थान का। तो ये सब जो पहाड़ियां हैं या इधर के जो इलाके हैं, ये ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो कि कृषि के योग्य हुआ करते थे, यानी कि खेती के लायक ज़मीनें हुआ करती थी, यहाँ पे खेती की जाती थी, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे पहले चावल किस पहाड़ियों के अगल बगल या किस पहाड़ी क्षेत्र के इर्द गिर्द उगाया गया था, तो याद रखिएगा विंध्य पहाड़ियों के। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिलहाल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। विंध्य के उत्तर में का मतलब ये है कि विंध्य की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और थोड़ा सा भाग राजस्थान का, तो ये सब गुजरात हो गया थोड़ा सा भाग, तो ये सब क्या है भैया विंध्य के पहाड़ी के उत्तर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था, चावल उपजाया गया था, सबसे पहले चावल को पैदा किया गया था। अच्छा, वहाँ पर अभी कहा था कि भैया सुलेमान की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी और गारो पहाड़ियाँ ना, तो ये सब कहाँ हैं ये भी आप देख लीजिए मैप में। तो ये देखिए किरथर की पहाड़ी हो गई, सुलेमान की पहाड़ी हो गई, और ये देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ हो गई, और ये है गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में क्या हुआ था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में क्या हुआ था, अभी भाई मैंने बताया है। अच्छा, एक चीज़ और था ना, नर्मदा नदी, तो भैया नर्मदा भी आप देख लीजिए कहाँ है।
ठीक है। कहाँ गई नर्मदा नदी, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए अभी कहा गया था, तो नर्मदा नदी के पास ही यहाँ पर सबसे पहले लोग रहा करते थे, और वो भी कुशल संग्राहक हुआ करते थे, एक अच्छे आखेटक, एक अच्छे शिकारबाज रहते थे। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में क्या हुआ था, अभी भी मैंने बताया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हजारों, मतलब लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में गेहूं और जौ की जैसी फसलों का पैदावार शुरू किया था ना, और उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालना या पालतू बनाना शुरू किया था। विंध की पहाड़ियों में क्या हुआ, तो भैया सबसे पहले चावल उपजाया गया था, यानी कि धान की खेती कहाँ की गई थी, विंध की पहाड़ियों में, ठीक है। और विंध की पहाड़ियों के उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये सारी चीज़ें, राजस्थान, थोड़े थोड़े इलाके, यहाँ पर क्या किया गया था, धान की खेती का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। और गारो में भी ये सारी चीज़ें की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हुई। मानचित्र पर आप सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए और देखिए कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सहायक नदियां किसे कहते हैं, तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वह सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 250 वर्ष पहले, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों को। गंगा और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो भैया सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, सिंधु नदी के किनारे वाले का क्षेत्र, दूसरा गंगा नदी के किनारे वाले का क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानव बस्तियाँ बसी गई हैं, मतलब बसी थी सबसे पहले, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको पहले दिखा दूँ सिंधु नदी और गंगा नदी को, ठीक है। ये देखिए सिंधु नदी है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाए तो और अच्छा रहेगा ना। देखिए सिंधु नदी सहायक नदी है, झेलम है, चेनाब, रावी, ये सतलज, ब्यास है। तो इसी नदी के इर्द गिर्द क्या बसा था भैया, सिंधु नदी के एक अच्छा खासा नगर बसा हुआ करता था। कितने साल पहले, 250 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी के आसपास 250 साल पहले एक अच्छा खासा शहर यानी कि नगर बसा था, ठीक। और दूसरा है आपका गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ ये सब देखिए, ये सब इलाका यानी कि उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा, ये थोड़ा सा बिहार का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका थोड़ा, ये सब जो बीच का इलाका है गंगा वाले का, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया ना, ये सब इलाके गंगा नदी के इर्द गिर्द बसे हैं, और इसी को मगध के नाम से जाना जाता था पास्ट टाइम में, यानी कि अतीत में, यानी कि प्राचीन काल में, ठीक है। आज मगध हम किसे कहते हैं भैया, मतलब बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था सीधा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नई नई चीज़ें हो सकती हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा किया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं
दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि लोग भी पहले यात्राएं किया करते थे। ठीक है, तो अभी आप केवल जनरली ऐसे पढ़ते चले जाइए, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए और सुनिए, देखिए। अभी मैं बताऊँगा इसका नोट्स बनाया कैसे जाता है। ठीक है भैया, आज लोग क्यों यात्रा करते हैं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? अभी आपने देखा कि पहले लोग यात्रा क्यों करते थे भैया, जैसे धर्मगुरु हुआ करते थे, वो शिक्षा बांटने के लिए चलते थे, शिक्षा को मतलब प्रसारित करते थे, और युद्ध के लिए लोग यात्रा करते थे, व्यापार के लिए लोग यात्रा करते थे, इन सारी चीज़ों के लिए यात्रा करते थे। लेकिन आज के लोग क्यों यात्रा करते हैं, आज देख लीजिए। एक बार आप फिर से मानचित्र एक को देखिए और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आप जब भारत के मैप को देखेंगे तो पर्वत, पहाड़ और समुद्र जो है भारत की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं हुआ करता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग भी यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। आज भी ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है, तरीका बदल गया भैया। ठीक है, इतिहास कहते हैं खुद को दोहराता है, तो इतिहास हमेशा दोहराता है, लगातार दोहराता है, एक चक्र, एक साइकिल चलती रहती है, तरीका बदल जाता है, सभ्यताएं बदल जाती हैं, चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, देश का नाम, अब आपको पता चलेगा कि देश का नाम कैसे पड़ा, हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ना? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किससे निकला भैया, याद रखिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि 250 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ईरान के लोगों ने और यूनान के लोगों ने क्या किया, सिंध को हिंदोस और इंदोस और इसी नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, यानी कि सिंधु नदी को उन लोगों ने हिंदोस या फिर इंदोस कहा, और इसी नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किन लोगों ने, ईरानियों ने और यूनानियों ने। ठीक है भैया, और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि इंडिया का समझ में आ गया कि इंडिया कैसे निकला भैया, इंडस से निकला है, इंडस से निकला शब्द इंडिया है, ये दिमाग में अच्छे से बना लीजिएगा। 250 वर्ष पहले ईरान और यूनान के लोग यहाँ पर आए और सिंधु नदी को हिंदोस या फिर इंदोस कहा, और इसी इंदोस के पूरब में जो प्रदेश हुआ करता था, जो वहाँ पे लोग हुआ करते थे, उनको इंडिया कहा गया। भरत कैसे कहा गया, भरत के नाम पर एक कबीला हुआ करता था, एक समूह हुआ करता था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उसी के नाम पे पड़ा भारत, जो कि 3500 वर्ष पहले लिखा गया ऋग्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। आप देखेंगे जब मैप को तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भारत के पड़ोसी देश में गिने जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब क्या भैया,
ईरान, चीन, म्यांमार, ये सब पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी उपमहाद्वीप की बात हो, उपमहाद्वीप का नाम आए, तो ये समझिएगा कि भारत की बात हो रही है। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, अगली हेडिंग आती है आपकी किताब की, अतीत के बारे में कैसे जाने, इतिहास को कैसे जाने, कैसे पढ़ें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। ये शब्द जो है लैटिन शब्द के मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। मेनू का मतलब होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट किस शब्द से बना है, दूसरा क्या है कि ताड़पत्र या भोजपत्र कैसे बनाए जाते थे। तो भैया, हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल से एक विशेष प्रकार का भोजपत्र तैयार किया जाता है, जिसपे पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं अपने हाथों से। आगे है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से पांडुलिपियाँ होती हैं, लिखी जाती थी, भोजपत्र यही है। यह पांडुलिपि आप जो इसको देख रहे हैं, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़पत्र, मतलब ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए आगे चलते हैं। ये है भैया आपका अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के बारे में अभी हम जानते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख भैया ऐसे लेख पत्र अथवा धातु से जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो सीधा सीधा इसमें समझ नहीं आ रहा ना, अभिलेख का मतलब होता है ऐसा लेख, यानी कि ऐसी जगह लिखा गया, मतलब कुछ लिखा गया हो ना, और वो कुछ लिखा गया किस पे हो, किसी कठोर चीज़ पर, पत्थर या धातुओं पर जो बहुत कठोर हो ना, अपेक्षाकृत बहुत कठोर हो, किसी कठोर चीज़ पर लिखा गया लेख ही अभिलेख कहलाता है। किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा गया लेख ही अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अच्छा अभिलेख आप समझ गए। उसके बाद पुरातत्वविद अभी आएगा एक वर्ड। पुरातत्वविद क्या होता है? तो पुरातत्वविद क्या होता है भैया, कि पत्थर, ईंट, इन सब से बने औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, मूर्तियों, इमारतों, चित्रों आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद कहलाता है। एक इतिहासकार और एक पुरातत्वविद में यही अंतर होता है। ठीक है, पुरातत्वविद क्या कहता है, इतिहासकार क्या कहता है, कि इतिहास की किताबें लिखता है, अतीत में हुई घटना का लेख लिखने वाले को हम इतिहासकार कहते हैं। लेकिन पत्थर हुए, ईंट हुए, इन सब से बने औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, इमारतों, चित्रों आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं ये समझना है। ठीक है, जो भी अवशेष होते हैं उनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। इस चीज़ को दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ पुराने या अतीत की कुछ चीज़ें हैं अवशेष के रूप में, जो खुदाई के समय मिला करते थे पुरातत्वविदों को। तो इन सब को देखकर, इनके आकृतियों को, इनके कला को, इनके चित्रकारी को देखकर पुरातत्वविद
तमाम प्रकार की कल्पनाएं करके इतिहासकार को बताते हैं और इतिहासकार लिखते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। किन स्रोतों को? यही जो कुछ भी वो पाते हैं उनके ऊपर उत्कीर्ण किए गए, उनके ऊपर लिखी गए, बनाए गए चित्रों, किस तरीके से बनाए गए, किस से बनाए गए हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं, लोहे से बनाए गए हैं, कि धातुओं से बनाए गए, इन सब चीज़ों का जो है बाल का खाल निकाल कर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुआ करती थी। अब आपको पता चलेगा अतीत एक या अनेक, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया अतीत एक है कि अतीत ढेर सारा है। हकीकत में आप देखेंगे तो अतीत डिफरेंस प्रकार का होता है, डाइवर्सफुल होता है। डाइवर्सफुल होता है मतलब विविध प्रकार के अतीत होते हैं। आप किस अतीत के बारे में बात कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कि इसका खंड बन जाता है, इसका पार्ट बन जाता है। इतिहास के भी कई इतिहास, जैसे आप साधारण से जानते हैं, एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक इतिहास होता है। उसी तरीके से आप किस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और उस इतिहास के किस भाग को जानना चाहते हैं, तो वही है इस हेडिंग का मीन्स कि भैया अतीत एक है कि अनेक हैं ना, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन करने वाला हेडिंग है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक यानी कि हमारे अतीत इस पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से कैसे भिन्न हुआ करता था, यानी कि पशुपालकों और कृषकों का जीवन कैसे भिन्न है, राजा तथा रानियों के जीवन से कैसे भिन्न है, तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस है। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फूल के संग्रह से प्राप्त करते हैं, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कई द्वीपों पर ना ऐसा करते हैं। इसके विपरीत, इसके अपोजिट आप ये देख सकते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जो आज आप देख रहे हैं गांव नगर, वो पहले भी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद हुआ करता था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। विजयों का मतलब जो विजय प्राप्त कर लेते थे, आक्रमण करते थे, विजयी हो जाते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उन सबको हम जानते हैं, कौन सा कब युद्ध हुआ। जैसे पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध और अन्य प्रकार के कई युद्ध जो लड़े गए हैं, तो उन सबको हम जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, और पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है ना, बहुत कुछ पता चलता है लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब बात आती है भैया तिथियों का मतलब क्या है, जो तिथि दी जाती है तिथियों का मतलब है क्या। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय के बारे में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले से लिया जाता है। इनकी तिथि की जो गणना की जाती है वो 2000 वर्ष, कहने का तात्पर्य होता है कि भैया कि ईसा के जन्म के 2000 वर्ष बाद से, यानी कि जैसे अगर कहा जाए कि 2010, तो 2010 का मतलब ये हो गया कि ईसा के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की ये गणना है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व में, यानी कि बिफोर बीसी लिखा जाता है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, इसे पुस्तक में नहीं, सभी पुस्तकों में ऐसा होता है। और अब देखिए इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईसवी लिखती हो, लिखा पाते हो, एनो डोमिनी, एनो एस ए फॉर एनो और डी फॉर डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से एक दो तीन चार पाँच ऐसे, मतलब एक ईस्वी दो ईस्वी तीन ईस्वी ऐसे हुआ। ठीक है भैया, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, इसको खूब ध्यान रखिएगा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले, होता है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है ईसवी से रिलेटेड, जैसे बीसी हो गया, बीपी हो गया, एडी हो गया, बीसीई हो गया और सीई हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा ना। अन्य चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर, और भी अन्य चीज़ें क्या हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कुछ अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये देखिए कुछ हैं अतीत की चीज़ें, अतीत की लिपियाँ, जिसका ये वर्ग का मतलब होता है पी, और इस आकृति का मतलब जो अर्धचंद्राकार उसका मतलब है टी, और इसका मतलब होता है ओ, इस घोड़े का मतलब होता है यल, इस आकृति का मतलब होता है यम, इस आकृति का मतलब है आई आई, इसका मतलब होता है यस। ठीक है, ये कुछ लिपियाँ यहाँ पर आपके लिए दर्शाई गई हैं। और भी यहाँ पर लिपियाँ हैं, इसको भी देख लीजिए। मिस्र के उत्तरी तट पर रेसोट्टा नामक कस्बा है। रेसोट्टा नामक का एक कस्बा था, एक कस्बा हुआ करता था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी कि यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकारों में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा भैया, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है इतिहास में कारतूस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था ना। तो याद रखिएगा, राजा और रानियों के नाम को छोटे से फ्रेम में दिखाने को कहा गया कारतूस। आपके प्री के एग्ज़ाम में यानी कि यूपीएससी यानी आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है या पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बना हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सके। ठीक है, चलिए।
अब हम देखते हैं न्यू स्लाइड में कि भैया हमने सीखा क्या, हम क्या सीखें, हमने क्या सीखा। तो भैया हमने ये सीखा कि इतिहास ज़रूरी क्यों है, हमने यही सीखा ना, इतिहास क्यों ज़रूरी है। तो भैया इतिहास नॉलेज के लिए ज़रूरी है। किसके नॉलेज के लिए ज़रूरी है भैया? लोगों के नॉलेज के लिए ज़रूरी है। लोगों के किस नॉलेज के लिए ज़रूरी है? लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, शिक्षा, इन सब चीज़ों के, इन सब पहलुओं के, इन सब आस्पेक्टों को जानने के लिए इतिहास ज़रूरी है। ठीक है, फिर से देखिएगा हमने क्या सीखा। कि यहाँ पे जो स्लाइड मैंने लगाया है, हमने क्या सीखा मैं, तो हमने इतिहास क्यों ज़रूरी है ये सीखा। तो क्यों ज़रूरी है, उसका आंसर मिला, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। कैसी नॉलेज? लोगों की नॉलेज। लोगों की कैसी नॉलेज? लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और शिक्षा से संबंधित नॉलेज, संबंधित जानकारी को जानना इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, न्यू स्लाइड में चलते हैं कि हमने और क्या सीखा। तो भैया लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे लोगों का बसा हुआ करता था। इन्हीं लोगों को संग्राहक कहा गया था, कुशल संग्राहक। अभी आपने देखा था कुशल संग्राहक हुआ करते थे नर्मदा नदी के किनारे बसे लोग। इनका खान पान होता था फल, फूल, जड़, तना, मांस, शिकार, ये सब इनका क्या हुआ करता था, खान पान हुआ करता था। इनके खाने योग्य चीज़ें हुआ करती थी। ये हमने सीखा, ये हमने जाना कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे हुआ करते थे, मतलब क्या उनके पास योग्यताएं हुआ करती थी और कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे लाख वर्ष पहले? नर्मदा नदी किनारे रहा करते थे। वो क्या करते थे, क्या करते थे? कुशल संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे। और क्या खाते थे? तो फल, फूल, जड़, तना, मांस और शिकार के माध्यम से शिकार करते थे। ठीक है, ये हमने पता लगाया। और हमने क्या सीखा? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को देखा है, और उसमें देखा क्या है, ये देखा है कि 8000 साल पहले मैन और वुमेन के द्वारा कृषि उत्पादन की गई। और कैसी कृषि उत्पादन की गई? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की जैसे कृषि को पैदा किया गया आदमी और औरतों के द्वारा सुलेमान और किथर की पहाड़ियों के आसपास 8000 साल पहले। यहाँ पर YB का मतलब होता है ईयर बिफोर, यानी कि 8000 साल पहले। और हमने क्या देखा? हमने ये सीखा कि पालतू पशु कौन कौन से बनाए गए थे। तो पालतू पशु भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब बनाए गए थे पालतू पशु। कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था? तो कृषि का विकास हुआ था गारो पहाड़ियाँ और विंध्य क्षेत्र के आसपास। सबसे पहले चावल, यानी कि सबसे पहले धान की खेती कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा विंध्य के उत्तर में, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगहों पर सबसे पहले धान की खेती की गई। तो इस स्लाइड में, इस चैप्टर से हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी। और हमने क्या सीखा? और हमने ये सीखा कि नगरों का विकास क्षेत्र कहाँ कहाँ था, उस समय नगर कहाँ कहाँ बसा करते थे। तो उस समय भैया सिंधु नदी के बेसिन के किनारे 25000 साल पहले, अभी आपने देखा था कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के अगल बगल झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, अभी आप देखा उसी के इर्द गिर्द सब क्या बसे थे, नगर बसे थे। नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया था। और कहाँ विकास हुआ? गंगा और सोन नदी के घाटी के किनारे क्षेत्र का, क्षेत्र जो कि मगध कहलाता था, यानी कि आज का बिहार। तो इन सब जगहों पर नगरों का विकास हुआ है। तो हमने ये भी देखा कि नगर कैसे फूले फले आगे बढ़े, उनका विकास हुआ ना, सबसे पहले कहाँ कहाँ पर। और हमने क्या सीखा? और हमने ये सीखा कि लोग यात्राएं करते थे। तो यात्राएं क्यों करते थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यात्राएं क्यों हुआ करती थी? तो यात्राएं युद्ध के लिए हुआ करती थी, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि यात्राएं इसलिए लोग करते थे कि भैया उनको रोज़गार चाहिए था, उनको काम करना था ना, तो
इसलिए भी जाया करते थे, यात्राएं किया करते थे, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, धार्मिक गुरु जो होते थे शिक्षा को प्रसारित करने के लिए यात्राएं किया करते थे ना। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, उनका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या निकला। तो इस तरीके से जब लोग एक स्थान दूसरे स्थान जाया करते थे तो उनकी मिली जुली संस्कृति में खान पान बात व्यवहार और सारी चीज़ें, तरीका, सभ्यता, सब कुछ जो है मिला जुला और उसका विकास हुआ। तो इस स्लाइड में इस चैप्टर के लिए हमने ये सीखा। और हमने क्या सीखा, और हमने ये सीखा कि देश का नामकरण कैसे हुआ है। देश का नामकरण भैया इंडिया जो है, मतलब इंडिया का नामकरण इंडस यानी कि सिंधु नदी जिसको संस्कृति में सिंधु कहा जाता है, उसी को यूनानियों और ईरानियों ने इंडस और या फिर हिंदोस या इंदोस कहा था। कितने साल पहले ये लोग आए थे, 2500 साल पहले कमिंग हुए आए, और इसी सिंधु नदी को इन लोगों ने क्या कहा, हिंदोस या हिंदोस कहा। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, ये हमने सीखा। और क्या सीखा कि उत्तर पश्चिम में एक समूह था जिसका नाम था भरत, उसी के नाम पर पड़ा भारत, जिसका उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा और भारत का नाम कैसे पड़ा, ये आप लोगों ने देखा। इंडिया निकला है आपका इंडस से। ठीक है, यही आपने अभी देखा ना कि इंडस जो है एक सिंधु नदी हुआ करती थी, यानी कि इंडिया सीधे सीधा है कि इंडिया इंडस से निकला है, और जिसका मतलब होता है सिंधु नदी संस्कृत वर्ड है, और इसी को यूनानियों उनका जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, सिंधु नदी उन लोग नहीं कह पाते थे, वो लोग कहते थे हिंदोस या इंदोस। और इसी नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश हुआ करता था, जो भूमि हुआ करती थी, जमीन हुआ करती थी, उसको इन लोगों ने कह दिया इंडिया। कितने साल पहले, 2500 साल पहले। भारत नाम पड़ा भरत के कबीले पर। ठीक है, भारत नाम पड़ा भरत के कबीले पर, जिसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद लिखा गया है 3500 साल पहले। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। और क्या सीखा, और हमने ये सीखा कि इतिहास के बारे में हम कैसे जानें, यानी कैसे इतिहास को हम जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। भैया पांडुलिपियाँ जो होती हैं उनके तहत हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पुरातत्व के द्वारा हम जान सकते हैं, अभिलेखों के द्वारा जान सकते हैं। पुरातत्व का मतलब खोद खाद के जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो पुरातत्व कहलाती हैं, और उसी का जो अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहलाते हैं, कहा जाता है। पांडुलिपियाँ आप लोगों ने देख लिया, ताड़पत्रों भोजपत्रों से जो बनाई जाती थी उसको पांडुलिपियाँ कहा जाती थी। तो जो चीज़ें लिखी गई थी उसको पांडुलिपि कहा गया। पुरातत्व मतलब खोद खाद निकाला गया, अभिलेख का मतलब अभी आपको बताया मैंने, किसी कठोर चीज़ पर लिखा गया लेख ही अभिलेख कहलाता है। तो पहले के राजा रानी जो हुआ करते थे वो लोग कुछ कार्यों को लिखवाते थे, कुछ चीज़ों को लिखवाते थे, कानूनों को, नियमों को, कायदे कानून को लिखा कर लोगों को प्रचारित करते थे। उससे भी पता चलता है कि लोग कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या चीज़ें किया करते थे। इन सब चीज़ों से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, जैसे पुरातत्व के माध्यम से निकलेगा तो उन सब चीज़ों से क्या क्या आप जान सकते हैं। उस सब चीज़ों से आप शिक्षा के बारे में जान सकते हैं, संस्कृति साहित्य के बारे में जान सकते हैं, मेला उत्सव त्यौहार इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। अभिलेख से भी ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। जब अभिलेख लिखा रहेगा तो ये पता चलेगा कि लोग कौन कौन सी भाषाएं बोला करते थे, लोगों का साहित्य क्या क्या हुआ करता था, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं अभिलेखों और पुरातत्व और पांडुलिपियों के माध्यम से। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ये सब कुछ हम जान सकते हैं इन सभी माध्यम से, इन पांडुलिपियों के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से और अभिलेख के माध्यम से। ठीक है, और हमने क्या सीखा,
और हमने क्या सीखा इसमें जो है लास्ट में, ये मैंने स्लाइड लगा दिया था कि कुछ बताने के लिए आप लोगों को, जैसे आपसे जब पूछा जाए आपने क्या क्या सीखा ना, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है धार्मिक या सामाजिक, पहले लिखिए ठीक है, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक शैक्षणिक जीवन, इन सब कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर दीजिए, आप बांट दीजिए तो इन सब चीज़ों से, जैसे सामाजिक जीवन कैसा था, उन लोगों का सामाजिक जीवन जो है आखेटक वाला था, यानी कि गैदरिंग था, लोग केवल जो है खाना खाना और खाने को जुटाना यही काम हुआ करता था। राजनीतिक जीवन कुछ विशेष प्रकार का था नहीं, लोग कहीं भी कुछ भी करते थे प्राचीन काल में। सबसे पहले सामाजिक जीवन जो है वो भी ऐसे ही था, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी घुमक्कड़ी हुआ करता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप करके जब डिवाइड कर देंगे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर कंटेंट ये आपको अच्छा लगा होगा तो भैया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आपको कमेंट ये भी करना है कि जो भी मैंने बताया वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्वेश्चन बनाने का जो कला है उसको आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम आसान है। मैंने पहले पढ़ाया, मैंने सब पहले बताया, उसके बाद मैंने उसका शॉर्ट नोट्स आपके सामने रख दिया है। आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार नोट्स देगा। अब आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके पक्का 100% लिखिएगा, उससे मोटिवेशन आपको मिलेगा और हमें भी मिलेगा, खुद को भी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और हमको भी कॉन्फिडेंस देंगे, तो हमारा भी आदान प्रदान मतलब लेन देन वाला ये साइकिल चलती रहेगी ना। तो भैया जरूर कीजिएगा, बड़ा मेहनत होती है PPT बनाने में, ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका आप इस तरीके का लोगो देख पाएंगे टेलीग्राम में जाने के बाद। इनोवेटिव जीएस नॉलेज के नाम से आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का आपको लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करें भैया, PDF के लिए ज्वाइन करें, अपडेटिंग के लिए ज्वाइन करें, नए नए चीज़ों का जो है अपडेट पाने के लिए, नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए, वहाँ पर हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिल जाती हैं आपको देखने पढ़ने समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक लिए नमस्कार।